जाफराबाद जनपद में भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के द्वारा यति नरसिम्हा नंद के द्वारा दिए गए बयान को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए मुरादाबाद शहर में अलग अलग स्थानों पर एक साथ इकट्ठा होकर निकलकर नाराजगी जाहिर की गई है। दरअसल यति नरसिम्हा नंद के द्वारा एक विवादित टिप्पणी की गई थी जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। मुस्लिम समुदाय के लोग मुरादाबाद शहर के कई स्थानों से इकट्ठा होकर आजाद नगर से रवाना हुए हैं, जहां पर यति नरसिम्हा नंद के ऊपर कानूनी कार्यवाही की मांग मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा की गई है। जब पूरे प्रकरण को लेकर मुरादाबाद जनपद में मुस्लिम समुदाय के लोगों से जानकारी की गई तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना था जिस तरीके से यति नरसिम्हा नंद के द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई है वो पूरी तरीके से गलत है। यति नरसिम्हा नंद के ऊपर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर पैदल निकले हैं और कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं जब मुस्लिम समुदाय के लोगों से जानकारी की गई तो जानकारी देते हुए बताया गया, मीडिया पर आप इस वक्त देख सकते हैं सोशल मीडिया पर एक बहुत देशद्रोही व्यक्ति जिसका नाम यति नरसिम्हा सरस्वती त्यागी है, जो कई बार हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है, इससे पहले भी कई बार कर चुका है, और वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला कत्ल करने की बातें, उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करने की, उनको साथ कत्ल गारतगिरी करने की बातें खुल्लम खुल्ला करता है। हमारा मुतालबा प्रशासन से इस बात पर है कि ये इन लोगों की आवाज़ें तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देती, जबकि सलमान अज़हरी साहब ने कुछ भी नहीं कहा और उन्हें एक साल से जेल के अंदर डाल रखा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्यों किस वजह से कर रहे हैं? यू वॉन्ट टू स्ले अस, यू वॉन्ट टू टॉर्चर अस, यू वॉन्ट टू किल अस, then directly kill us. We are here, we will not move away in a single step backward. Shoot us in front of us. Do not play the game like this. क्या आपको एक की चीज समझ में आती है और एक बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आता? आप हमें पकड़कर अगर जेल में डालना चाहते हैं बर्बाद कर दीजिए हमें जो करना है, लेकिन ये क्या तरीका है? इस देश के अंदर ये अंधा कानून नहीं चलेगा। ये बीआर अंबेडकर, डॉक्टर बीआर अंबेडकर के बनाया गया कानून इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वे में चलेगा, और हम उसी का मुतालबा करते हुए अपने बड़ों के पास जा रहे हैं और उनसे एहतजाज करते हुए कहेंगे कि आप इसमें कुछ आगे कदम उठाइए शांति के प्रिय तरीके से। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझते हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, हमारा दिल टूटा है। हम भी दूसरे मजहब के लिए जो लोगों की रेस्पेक्ट है उसको हम भी मानते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे नबी के खिलाफ होगा हम उसका आखिर दम तक खिलाफ। अगर सर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? मांगे पूरी होने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने बड़ों तक पहुँचना है, हमें शहर इमाम तक पहुँचना है, हमें अपने शहर इमाम से पूछना है कि आप खामोश क्यों हैं? पूरा शहर के आप इमाम हैं, पूरा इलाके के आप इमाम हैं, तो आप खामोश क्यों हैं? सब लोग मुफ्ती साहब के पास इकट्ठा हो गए हैं, क्या मामला है सर? जी मैं एक पठान और इंडियन मुस्लिम फेडरेशन के साथ एक सब लोग ये बात इकट्ठे होकर आए हैं, और किसी इंसान ने देश के दो टुकड़े करने के लिए और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें कि उसका नाम है नरसिम्हानंद ऐसी कुछ करके, और उसने मुसलमानों के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ टिप्पणी की है और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, जिसके सिलसिले में ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मुरादाबाद जनपद के आजाद नगर से भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के द्वारा यति नरसिम्हा नंद के बयान को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एक साथ इकट्ठा होकर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। यति नरसिम्हा नंद के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा पैदल निकलकर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।